अब हम लोग एक और स्टूडेंट को बुला रहे हैं, सपना। ये भी फाउंडेशन इस बार पास की हैं, ये भी नेपाल से आई हुई हैं। तो इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या इनको प्रॉब्लम रहा और प्रॉब्लम कैसे दूर हुआ, इसके बारे में। ओवर टू सपना। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, आई एम सपना फ्रॉम नेपाल। जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तो लगा नहीं था कि ऐसा होगा, बहुत डर लग रहा था कि नए जगह पर अपने सब कुछ फैमिली सब छोड़ के यहाँ पर आके नहीं लगा था कि ऐसा फैमिली जैसा ये सब मिलेगा। सर लोग जो पढ़ाते बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सब लोग। सर यहाँ पर जब आए तो सबसे मिलने के बाद यही लगा कि नहीं, वो फैमिली से दूर नहीं हूँ, अपने घर से दूर नहीं हूँ। जब लॉ सर जब फर्स्ट क्लास लॉ सर का लिया था तो उनका क्लास लेते ही लगा था कि हाँ यही सही है, टॉपर्स आके बहुत सही किया है। लॉ सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब वो सब कुछ कॉन्सेप्ट समझा के अपने अपने रियल लाइफ से रिलेट करके इतने अच्छे से पढ़ाते हैं लॉ सर। अविनाश सर अकाउंट पढ़ाते हैं, जो कि हर एक एग्जाम्पल को इतना अच्छे से समझाते हैं कि हम लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट वही एग्जाम्पल से याद आ जाएगा। और मैथ सर का तो एक एक स्टेप वो सर इतना अच्छे से समझाते हैं, हर एक स्टेप जितना भी डाउट हो हर बार पूछ लो सर, कोई वो नहीं, रुकते नहीं है सब, इतना अच्छे से मैथ सर समझाते हैं। और इकोनॉमिक्स सर, उनका तो बात ही अलग है, वो तो क्लास में कभी किसी को बोर होता ही नहीं था और ऐसा भी नहीं लगता था कि आज क्लास से बोर होगा, ऐसा कभी नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि हर दिन अलग सा मजा है और क्लास जाने का तो वो अलग सा ही वो होता था, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास से बोर होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हाँ, टॉपर्स इज द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।